सो फाइनली दोस्तों सलार वर्सेस डंकी बिग ब्रेकिंग न्यूज। भाई साहब ये हो क्या रहा है यार, यहाँ तो महाभारत का युद्ध चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सलार वाले कि भैया सलार का कलेक्शन रियल है, डंकी वाले छपरी गैंग कह रहे हैं कि डंकी का कलेक्शन रियल है। आखिर सलार वर्सेस डंकी के बॉक्स ऑफिस फाइट का अंजाम क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों? तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं खोलूंगा सारे पोल, क्योंकि भैया रमैया अवस्था भैया डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग चालू है भैया। अब तो आज तक वालों ने बोल दिया भैया सलार का कलेक्शन हाई है भैया, डंकी डाउन चल रही है भैया, छपरी गैंग परेशान है भैया, रमैया अवस्था भैया खोलूंगा पोल भैया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना ना भूले। एंड थैंक यू एवरीवन जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, हेटर को भी थैंक यू बोल देता हूं, एंड इसी तरह प्यार देते रहो दोस्तों। और आपको पता है कि रवि चौधरी की वीडियो में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसी यूट्यूबर के इंफॉर्मेशन में नहीं मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले सलार वर्सेस डंकी का बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा बता दूं, अभी क्या पोजीशन चल रही है, अभी आपको अपडेट बता दूं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले भैयों आपको बता दूं कि बुक माई शो पे सलार 24 घंटे में 2,80,400 टिकट बेच रही है, वहीं डंकी दोस्तों 1,65,300 टिकट बेच रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप स्क्रीन सलार को अभी 1800 स्क्रीन पे सलार चल रही है दोस्तों, और डंकी ने 3500 स्क्रीन लिया है 3500। इसके बाद आज यानी कि दोस्तों टुडे का मैं अगर एडवांस टिकट बताऊँ जो कितना सोल्ड आउट हुआ है, सलार ने 3,00,000 टिकट होल्ड आउट कर लिया है और 5,75,00,000 का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। वही डंकी दोस्तों 1,05,000 टिकट बेच दिया है, 2,20,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है। और हिंदी बेल्ट में डंकी ने लगभग आपको बता दूं कि 1,05,000 जहां पर है, वहीं सलार हिंदी बेल्ट में भी डंकी से बहुत ज्यादा टिकट बेच चुकी है, लगभग 1,47,000 टिकट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे स्कैम्स को मैंने पकड़ा है जो डंकी वाले कर रहे हैं और इल्जाम लगाया जा रहा है सलार पे। कुछ जितने भी छपरी गैंग है ना भाई, उन लोगों के पास अब एक ही मुद्दा है, कैसे भी सलार फिल्म को नीचा दिखा दो, तंज कस दो, और डंकी की हाइप को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि सलार के कलेक्शंस को फेक दिखा दो, जिसकी वजह से ना प्रोड्यूसर अपने फिगर बता रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी प्रोड्यूसर फिगर एंड बॉक्स ऑफिस के जो नंबर थे वो मिस मैच आ रहे थे, जिसकी वजह से होमबाले फिल्म ने अभी लेटेस्ट अपडेट देना बंद कर दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर। यहाँ छपरी गैंग नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भैया अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। यार एक बात बताओ, होमबाले वाले क्यों हेरफेर करेंगे, अभी उनकी बहुत सारी फिल्में आ रही है, सलार 2 आ रही है, बघीरा आ रही है प्रशांत नील की, और मैं आपको बता रहा हूं भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां दोस्तों वही वाली बात हो रही है, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती को बड़ा दिखा दो। जो जवान ने फेक कलेक्शन किया सबको पता है, पूरी दुनिया को, पठान ने फेक कलेक्शन किया पूरी दुनिया को पता है, डंकी फेक कलेक्शन करने के बावजूद, कॉर्पोरेट बुकिंग करने के बावजूद भी दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग 300 करोड़ का कलेक्शंस भी बड़ी मुश्किल से करती हुई नजर आई है। 300 करोड़ कमा लिए इसने इंडिया नेट में ग्रॉस के अंदर दोस्तों, ठीक है, बड़ी मुश्किल से कलेक्शन इसके लगभग नजर आए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि सलार के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले बता दूं कि डंकी के जो मैंने स्कैम्स पकड़े हैं ना उसका प्रूफ लेकर आया हूं। अगर आप वो प्रूफ देखोगे तो कहोगे रवि भाई सैल्यूट करते हैं आपको कि जो आप ये प्रूफ लेकर आए हो, क्योंकि ऐसे प्रूफ आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि डंकी स्कैम नंबर 1, देखो यार दो स्क्रीनशॉट देखो, ये आपका दो स्क्रीनशॉट में दो टाइमिंग के शो है, एक आपका 3:20 का शो होगा और एक लगभग आपका 7:20 के दो शोज होंगे। ये स्क्रीनशॉट देखो, साइबराबाद करके कोई जगह है, यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग के जो शोज थे वो हटा दिए गए हैं। पहले स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा कि यार 5 शोज ऐसे हैं जो ब्लैक में नजर आ रहे, हाउसफुल नजर आ रहे, कॉर्पोरेट बुकिंग की वजह से फास्ट फिलिंग कर दिया है, बाकी जो दो शोज है 3:20 और 7:20 के शोज खाली है पहले स्क्रीनशॉट में। वही दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखोगे जब इसका खुलासा हुआ, आज का रिपोर्ट है 28 तारीख का डंकी का, भाई साहब सिर्फ दो शोज ही दिखा रखा है बुक माई शो पे, 3:20 का और 7:20 का। इसका मतलब दोस्तों आपको बता दूं कि बुक माई शो पे बहुत स्कैम चल रहा है, फास्ट फिलिंग दिखाने के नाम पर
भगवत दिखाने के नाम पे दोस्तों जानबूझ के शोज दिखा रखा है ताकि जनता ये समझे कि शोज हाउसफुल है और जनता टिकट बुक कर ले, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं वो बुक माई शो पे फास्ट फिलिंग को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और अपने टिकट को बुक कर लेते हैं यूजुअली। मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये डंकी वालों का स्कैम देखो, जानबूझ के कॉर्पोरेट बुकिंग दिखा दिया। और जब भी ऐसे सिनेरियो में जब कॉर्पोरेट बुकिंग होती है तो दोस्तों जब आप थिएटर में उस शो को देखने जाओगे फुल थिएटर खाली मिलता है, फुल मतलब शो चला दिए होते हैं लेकिन जनता एक भी नहीं मिल रही होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि जनता के रिएक्शंस कितने घटिया हैं डंकी को लेकर, और आपने मेरी वीडियो में देखा भी था दोस्तों। उसके बाद स्कैम नंबर टू, यार देखो ये एक देखो यार दो स्क्रीनशॉट देखो, दो शो है, एक 10 बजे का शो है, एक 6:30 बजे का शो है। स्क्रीनशॉट देखो आयोनेक्स मॉल का है, रघुलीला मॉल वासी करके एक जगह है। यहाँ पर जो 10 बजे का शो है फास्ट फिलिंग है दोस्तों, अंदर जाके देखोगे तो इसमें ग्रीन शोज जो है आप जो देखोगे जो ग्रीन में बॉक्स नजर आ रहे हैं ठीक है, और जो हाउसफुल दिख रहा है कुछ कुछ जगहों पर, आप 10 बजे के शोज और सेम दोस्तों 6:30 बजे का शोज दूसरे स्क्रीनशॉट में फास्ट फिलिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों का पैटर्न सेम है। हाउ इज दिस पॉसिबल दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों का पैटर्न सेम हो रहा है? इट मींस दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग चालू है भैया, जी हां थिएटर खाली है भैया और जनता नहीं है भैया थिएटर में। आपको बता दूं कि पैटर्न सेम कैसे हो सकता है टिकट बुक करने का, तो ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम है जो मैंने नोट किया है। इसके अलावा सलार को शोज मिले हैं 6,000 और डंकी को शोज 12,500 से भी ज़्यादा शोज मिले हैं, लेकिन डंकी का कलेक्शन 6 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़। अरे भाई क्या हो गया, तुम ये फेक कलेक्शंस या दिखा रहे हो रियल कलेक्शंस दिखा रहे हो? अब कुछ हमारे छपरी गैंग बोल रहे हैं कि डंकी वाले रियल कलेक्शंस दिखा रहे हैं 6 करोड़। तो भाई पठान जवान में क्या हो गया था और अब डंकी में ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब साफ साफ सी बात है ना भाई कि डंकी फिल्म को कोई देख नहीं रहा है, तभी तो कलेक्शंस कम आ रहे हैं ना। ये लोग नहीं, ये लोग बस एक ही मुद्दा गड़ा के बैठे हैं, ये जितने भी आटू पाटू लोग हैं आंडू पांडू लोग, ये पता क्या बोल रहा है सामाजिक तत्व के लोग कि सलार का कलेक्शंस फेक है, सलार जो है घटिया कलेक्शन दिखा रही है, 100-100 करोड़ का गैप दिखा रही है सलार का कलेक्शंस, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है और इन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। और भाई साहब डंकी को रिलीज इसीलिए किया गया क्योंकि ये फिल्म साइन की गई आज से 3-4 साल पहले, जबकि शाहरुख खान का करियर चौपट हो चुका था, उनको नहीं पता था कि पठान इतनी हिट हो जाएगी। गलती से हिट क्या मतलब बोले तो कॉर्पोरेट बुकिंग चालू करना था, उसके बाद जवान में भी इन्होंने चालू किया, लेकिन भाई साहब डंकी में कॉर्पोरेट बुकिंग काम नहीं आ पाया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डंकी कॉर्पोरेट बुकिंग करेगी तो सलार मार लेगा, और यही हो रहा है। सलार के फैंस, देवल फैंस, सलमान खान फैंस दोस्तों कुल मिला के ये डंकी को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग अभी भी चालू हो रहा है। इसके अलावा सलार नॉर्थ अमेरिका में स्क्रीनशॉट देखो $7.1 मिलियन, मतलब 56 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन तो केवल नॉर्थ अमेरिका में कर चुकी है। अभी दोस्तों आपको बता दूं कि ये ट्रेड से रिसोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्रोड्यूसर ने अभी तक तो कुछ भेजा नहीं है ठीक है। हालांकि जो चाटुगार लोग हैं जो डंकी को डिफेंड कर रहे हैं लाइक KRK वाले लोग, लाइक छपरी गैंग लोग, जो जानबूझ के इसके डंकी के कलेक्शंस को भी कंपेयर करते हो, डंकी के कलेक्शंस को हिट बता रहे हैं, और हिंदी में जबकि स्क्रीन्स कम दिया गया, जबकि शोज कम दिया गया, और वहीं सलार के हिंदी कलेक्शंस के कंपैरिजन करके सलार को फ्लॉप बता रहे हैं। सलार का बॉक्स ऑफिस स्कैम दोस्तों, ये जो पीयर मीडिया टीम है ना SRK की और तमाम छपरी गैंग की, ये जानबूझ के सलार को नीचा दिखा रही है, और सबको पता है कि सलार का रियल कलेक्शंस है और इनको ये कलेक्शंस पच नहीं रहा है मेरे भाइयों, नहीं पच रहा है ठीक है, और जानबूझ के हेटर लोग हेट फैला रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट लेकर आए, बने रहो यार, बहुत सारे पोल खोलूंगा मैं ठीक है। देखो यार जो बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट लेकर आया हूँ मैं, सलार ने 7वें दिन तक लगभग, आपको बता दूँ कि आज कितना कलेक्शंस करी, पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूँ। सबसे पहले भाई साहब डंकी के कलेक्शंस की बात करते हैं, डंकी को 8 दिन हो चुके हैं और आज 8वें दिन कितना कलेक्शंस कर रही है। ऑल दो डंकी दोस्तों सिंगल डिजिट में आ चुकी है, अब डंकी का डंका बज गया है, डंकी खत्म, टाटा बाय बाय हो चुकी है दोस्तों, और छपरी गैंग बस कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, खाली थिएटर चल रहा है, बस जैसे तैसे फिल्म चल रही है कि भैया कलेक्शंस हो जाए। डंकी पहले दिन 29 करोड़ 20 लाख कमाई थी, दूसरे दिन 20 करोड़ 12 लाख, तीसरे दिन 25 करोड़ 60 लाख, चौथे दिन 30 करोड़ 70 लाख, पाँचवें दिन 24 करोड़ 32 लाख, छठे दिन 11 करोड़ 56 लाख, 7वें दिन 9 करोड़ पे आ गई, 8वें दिन दोस्तों आज 5 से लेकर 8 करोड़ पे
रुक जाएगी, मतलब 8 करोड़ से ऊपर बड़ी मुश्किल चांस है। और ये कौन कह रहा है कि भाई रियल कलेक्शंस है? भाई साहब पूरा का पूरा फेक कलेक्शंस करने के बाद एक हफ्ते में ही सिंगल डिजिट पे शाहरुख खान की फिल्म ऐसे रिएक्शन करेगी। और वैसे भी भाई आज तक की न्यूज़ में आज तक की एंकर ने बोल दिया यार कि भाई साहब फिल्म खराब चल रही है, डंकी की परफॉर्मेंस खराब चल रही है और डंकी जवान पठान की तरह सक्सेसफुल नहीं हुई है। आई मीन कॉर्पोरेट बुकिंग तो तीनों फिल्मों में हुई है, लेकिन भाई साहब डंकी ने वो मुकाम हासिल नहीं किया जो कॉर्पोरेट बुकिंग में जवान और पठान ने हासिल किया था। नेट कलेक्शंस के अंदर डंकी ने 159.26 करोड़ कमा लिया है, ग्रॉस में 190 करोड़, ओवरसीज में डंकी 124 करोड़ दिखा रही है जो कि मुझे फेक लग रहा है। ऑल दो 314 करोड़ का कलेक्शंस कर चुकी है डंकी, इसको हिट कैटेगरी में डाल दिया है आफ्टर नो जीएसटी, आफ्टर कॉरपोरेट बुकिंग ऐड करने के बाद 314 करोड़ कमाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों सलार के साथ इतने नाइंसाफी हुई, सलार जो कि एक ऐसी फिल्म है पता नहीं कितने थिएटर मालिकों की लॉस की भरपाई की, सलार को स्क्रीन्स कम मिले, शोज कम मिले, सलार को बॉक्स ऑफिस स्कैम का सामना करना पड़ा, प्रभास ने इस फिल्म की प्रमोशन तक नहीं की, ठीक है, डंकी ने तो डंका भी बजा दिया था फिल्म प्रमोशन के नाम पर, ठीक है, लेकिन भाई सलार बाहुबली के बाद आफ्टर 1-2 फिल्म डिजास्टर गई प्रभास की मानता हूँ, लेकिन सलार विदाउट एनी प्रमोशन सलार ने जो भाई साहब डंका बजा दिया ना डंकी का, भाई बता दूँ सलार ने शुरुआती 4 दिनों में 316.80 करोड़ कलेक्शन किया था इंडिया नेट के अंदर, 5वें दिन 25 करोड़ 10 लाख, 6वें दिन 20 करोड़ 45 लाख, 7वें दिन 18 करोड़ 50 लाख, दोस्तों 380 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर ली चुकी है आज 7वें दिन तक, एंड ग्रोस में 453 करोड़, एंड दोस्तों 150 करोड़ के ऊपर आपको बता दूं कि ओवरसीज कलेक्शन जा चुका है, केवल ओवरसीज में 150 करोड़ के ऊपर जा चुकी है फिल्म, और दोस्तों ये फिल्म 600 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। और दोस्तों अभी तो आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड तक ये फिल्म 700 करोड़ पार कर लेगी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट वीकेंड तक अगर कोई फिल्म रिलीज नहीं होती है, अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, तो भाई साहब ये फिल्म सलार आराम से 1000 करोड़ पार कर लेगी, एंड डंकी लाइफ टाइम कलेक्शन दोस्तों आपको बता दूँ ग्रॉस में ही 400 करोड़ भी मुश्किल है, इनफैक्ट दोस्तों 350 करोड़ 400 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस ग्रॉस में होगा, और इंडिया नेट में बता दूं तो भाई साहब 250 करोड़ का ही नेट कलेक्शंस करेगी डंकी आफ्टर कॉर्पोरेट बुकिंग दोस्तों। और साफ साफ बता दूं दोस्तों जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कलेक्शन सलार के फेक है, भाई पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्योंकि आपके गिरेबान में पहले से ही आपने कॉर्पोरेट बुकिंग और आपने खाली थिएटर और फेक हाइप चला रखी है। ओवरसीज की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, ऑक्यूपेंसी सलार की आज भी 30-40% चल रही है दोस्तों, और आज का कलेक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताई देखी फिल्म कर चुकी है। और रही बात शोज की, शोज भी बहुत कम मिल रहे हैं सलार को, और डंकी को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट अभी तक सलार वर्सेस डंकी को लेकर, और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डंकी वाले जो मैंने स्कैम अभी बताया, क्या डंकी वाले अपने कलेक्शंस में हेर फेर कर रहे हैं, क्या डंकी वाकई में दूध की धुली हुई है? दोस्तों कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोग मुझ पर तंज कस रहे हैं, दोस्तों मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं, आपको मैंने देखा कि कुछ मेरे व्यूवर हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भाई लोग जो बोल रहे हैं कि कई लोग मुझे रोस्ट भी कर रहे हैं, दोस्तों मुझे लिंक नहीं मिल पा रहा है, प्लीज मुझे वो लिंक शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से लोग हैं, जरा मैं भी एंजॉय करूं यार, मुझे दिख नहीं रहा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों क्या आपको लगता है, मैंने एक वोटिंग पोल भी की थी जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सलार का कलेक्शन रियल है, जनता सलार के पक्ष में है, कलेक्शन को रियल मान रही है और डंकी को फेक कलेक्शन मान रही है। और ऑफकोर्स यार कॉर्पोरेट बुकिंग का किंग एक ही बंदा है SRK, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो जितने भी छपड़ी आटू आंडू पांडू लोग हैं प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सलार, क्योंकि सलार बॉक्स ऑफिस में रोड रूल कर रही है और सलार फिल्म लोगों को भा रही है दोस्तों, आज भी ऑक्यूपेंसी बड़ी सॉलिड चल रही है। लाइक कमेंट करके बताओ दोस्तों डंकी वर्सेस सलार बॉक्स ऑफिस में रियल कॉर्पोरेट बुकिंग किंग कौन है, कौन कॉर्पोरेट बुकिंग करता है, SRK या प्रभास? और दोस्तों सलार एंड डंकी में रियल कलेक्शंस कितना है, रियल कलेक्शंस किसका है, सलार का या डंकी का? दोस्तों कमेंट करके अपने भाई को जरूर बताओ, एंड दोस्तों लाइक कमेंट भर भर के करो, सलार फैंस प्लीज़ यार दोस्तों कमेंट भर भर के करो, क्योंकि ये कमेंट उन छपरी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इसी तरह प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमैया वस्ता भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भैया।